क्या लेने आया हूँ। वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। और ऐसे गुस्सा नहीं करते डार्लिंग। कम ऑन, मैं तुम्हारा बेड पे इंतजार करता हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा जो कुछ भी था तुमने सब कुछ छीन लिया। ये घर, मेरी जायदाद, सब कुछ। तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा के तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे जिस्म के साथ। हाँ, तुमने मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। मेरे पास तुम्हें अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। रहम करो मुझ पे। रहम नहीं कर सकते तो कम से कम इस छोटे से बच्चे पर तो रहम करो। रहम करो प्लीज। देखो मीरा, अब तुम मुझसे रहम की उम्मीद ना ही करो तो अच्छा है। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारी कोई दुख भरी कहानी सुनने नहीं आया। वालिया, हाँ। तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से मुझसे छीना है। पर एक तोहफा मैं तुम्हें अपनी मर्जी से देना चाहती हूँ। क्या? इनफैक्ट मैंने वो तोहफा तुम्हें दे दिया है। कौन सा तोहफा मीरा? वालिया, मुझे एड्स है। नहीं मीरा। अब मेरी तरह तुम भी रोज मर मर के जियोगे। नहीं मीरा, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। नहीं वालिया, ये सच है। ये सच है? ये सच है तो साली कुत्ती। अगर ये सच है तो आज के बाद तुम मेरे किसी काम की नहीं। और सुन ले, अनिरुद्ध वालिया का ये उसूल है, जो चीज मेरे काम की नहीं वो किसी के काम नहीं आ सकती। तूने तो मुझे तोहफा दे दिया, लेकिन अब अनिरुद्ध वालिया तुझे तोहफा देगा, और वो तोहफा है मौत। हेलो रेहाना, इतनी टेंशन में क्यों? आप मेरा नाम कैसे जानते हो? फितरत, कृष्णा बताया था मुझे कि इस घर में दो लोग रहते हैं, एक तो 21 साल की खूबसूरत लड़की रेहाना और हेलो मिसेस वालिया, हाउ आर यू? ओह डिटेक्टिव प्रधान, आई एम सो सॉरी अंकल, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मॉम, ये डिटेक्टिव प्रधान है, इंडिया के टॉप डिटेक्टिव में से एक है। जी नमस्ते। अंकल आप ऐसे अचानक? फितरत, आप तो जानते ही हैं मेरे काम करने का तरीका, और इसी तरह से मैं काम करता हूं। और कृष्ण ने मुझे और भी कई सारी बातें बताई है। वो आदमी है कहाँ? वहां ऊपर। एक आदमी 3-3 महीने से कमरे में बंद है, कमाल की बात है। बिना कुछ बोले, बिना किसी से बात किए, बिना कमरे से बाहर निकले। Isn't it strange? आखिर वो चाहता क्या है, क्या मकसद क्या है उसका, कुछ पता नहीं चलता। वेल, आप बताएंगी पूरे किस्से की शुरुआत कैसे हुई? 3 महीने पहले की बात है। उस दिन शाम को मैं और रेहाना तो घर में ही थे। At home. Hello. Yeah. जी. Hi. I am संजय मित्रा. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पर आपको किससे मिलना है? अनिरुद्ध वालिया से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी वो घर पे नहीं है, वो बिजनेस टूर के लिए जर्मनी गए हैं। Oh shit. आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ, पर आपको पहले कभी देखा नहीं। वैसे मैंने भी आपको कभी देखा नहीं है। होता है ऐसा कभी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए ना। थैंक यू। हे नाइस हाउस। हाँ थैंक्स। हेलो जी, आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ज़रूर लाइए, बहुत प्यास लगी है मुझे। What house? Mm-hmm. Phone. Nice. Telephone. लीजिए पानी। थैंक्स मैडम। शुक्रिया। क्या अनिरुद्ध पहले कभी आपसे मिले हैं? नहीं, मैं उन्हें पहले कभी नहीं मिला। लेकिन अभी तो आपने बताया कि आप अनिरुद्ध से मिलने आए हैं। मैडम, अनिरुद्ध वालिया से मैं मिलने आया हूँ, उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। हो सकता है मैं आज पहली बार उन्हें मिलने आया हूँ। हाँ? वैसे यहाँ पे और कौन कौन रहता है? क्यों? आपको क्या काम है? अरे रिलैक्स रिलैक्स मैडम। और आप तो इतना डर गई जैसे मैं यहाँ पे कोई चोरी या तो खून करने आया हूँ। रिलैक्स मैडम, घड़ी देख रहा था, अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन बाद में सोचेंगे कि किसका अच्छा टाइम चल रहा है और किसका बुरा। खैर मैडम, मैंने सुना कि आप यहाँ पे पेन गेस्ट रखती हो। हेलो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, सुना है कि यहाँ पे आप पेन गेस्ट रखती हो, जवाब तो दीजिए, गिव मी सम आंसर। जी आपने सही सुना है, बिंगो। पर पिछले 6 महीनों से कोई आया नहीं है। ओह, लेकिन आपको ये बात कहाँ से पता चली? अब क्या बताऊँ मैडम, जस्ट कोइंसिडेंट, जस्ट। मैं अभी स्टेशन से आ रहा था, थोड़ी भूख लग गई, ज़्यादा पैसे नहीं थे तो स्टेशन से बज्जी खरीद ली, तो बज्जी वाले ने ये पेपर में मुझे बज्जी दी। बज्जी ऐसे 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 करके मैं खा गया और बाद में देखा कि आपने इसमें एक ऐड दी है कि आपको एक पेन गेस्ट की ज़रूरत है, तो वैसे मुझे पता चला कि आपको एक पेन गेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। ओह वेल, अभी तो हाय ब्यूटीफुल, लुकिंग सेक्सी मिसेस वालिया, आपका बंगलो मुझे बहुत ही पसंद आया। बस मैं बिल्कुल ऐसी शांत जगह ढूंढ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना काम यहाँ पे बड़े इत्मीनान से कर पाऊंगा। मिस्टर मित्रा, पर आप काम क्या करते हो? मित्रता। अरे जब तक, अरे मैंने बताया नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या काम करता हूँ? मिसेस वालिया, मैं पेशे से एक राइटर हूँ, इंडियन मिस्ट्री पे किताब लिखता हूँ, और उसके लिए मुझे बिल्कुल ऐसी शांत जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे अगर कोई मर भी जाए तो किसी को कानो कान खबर ना हो। What? रिलैक्स बेबी, जस्ट एग्जाम्पल। वैसे मिसेस वालिया, ये जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शांति है। वो तो ठीक है, पर अभी हम पेंगेस नहीं रखना चाहते। मिसेस वालिया, ऐसा तो नहीं चलता है। I'm sorry baby, no hard feelings, हाँ? Okay. मिसेस वालिया, आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। प्लीज़, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी आस लेकर आया हूँ। देखिए, मुझे ये नीचे 2 रूम है ना, वो नहीं चाहिए, मुझे ना वो ऊपर वाला रूम चाहिए। हमारे घर के बारे में इतना कैसे जानते हो? आप तो पहली बार हमारे घर पे आए हो। ज्योग्राफी स्टूडेंट, जैसे ही मैंने आपके घर पे पैर रखा वैसे ही मैंने आपके घर की ज्योग्राफी जान ली थी। वेल मिसेस वालिया, वैसे आप इस घर का किराया क्या लेती हो? 10,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ में दूंगा, बोलो। लेकिन क्या अभी? क्या बच्चे की जान लोगे क्या? 5,000 दूं क्या? नहीं नहीं मिस्टर मित्रा, 20,000 ठीक है। और आपको हमारा घर इतना ही पसंद आ गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें तो आपकी कंपनी भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये रहे 10 और ये रहे 10, तो टोटल हो गए 20। नो हार्ड फीलिंग्स बेबी। ठीक है मिस्टर मित्रा, पर आप यहाँ रहने कब से आ रहे हो? बस आप मुझे चाबी दे दो, होटल जाता हूँ, मेरा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो लेकर यहाँ पे आ जाता हूँ। श्योर, ओके ठीक है, मैं अभी डुप्लीकेट चाबी लेके आती हूँ। बेबी बेबी, मेरी एक गुजारिश है। जी कहिए। देखिए मिसेस वालिया, मेरी गुजारिश है कि मैं जितना भी वक्त यहाँ पे रहूँगा मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे डिस्टर्ब ना करें। मतलब? हम समझे नहीं। मतलब ये कि एक बार मैं अपने रूम में चला जाऊंगा, उसके बाद बाहर नहीं आऊंगा। और आप में से किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा। और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं एक चिट्ठी में लिखकर दरवाजे के बाहर रख दूंगा और बेल बजा दूंगा। और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ आप लोगों को मुझे प्रोवाइड करनी ही होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रात देरी से लौटूंगा, इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास इस घर की चाबियां है। मैं आऊँगा और अपने रूम में चला जाऊँगा। इज दैट क्लियर? भाई साहब, बाहर बारिश बहुत है, आप चाहे तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। अरे अरे मिसेस वालिया, बारिश बारिश का काम करती है, इंसान इंसान का काम करता है, मतलब कि हम हमारा काम करते हैं, राइट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मुझे इस घर की शांति बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए गलती से भी मेरे रूम का दरवाज़ा मत खटखटाना। नो हार्ड फीलिंग्स, ये Krish, hello. Hey babes. Hi. That is a surprise for you. What? कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। I love you. Good night. Bye. Good night. क्या मम्मा, आप भी मुझे डरा ही दिया। पागल लड़की, दूध यहाँ रखती हूँ, पी लेना। ओके। और मॉम सुनो तो, वो पागल पेन की स्टार की नहीं, लगता है अब वो रात को ही आएगा। तुम दूध पी के जल्दी सो जाना, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। कौन है वहां पे? मॉम, ये सुबह सुबह इतनी जोर जोर से बेल कौन बजा रहा है? अरे बेटा, वो नया पेन केस्ट आया है ना। हाँ रुको, अभी भेजती हूँ चाय। शारदा, अजीब आदमी है, चाय भेजने में थोड़ी देर क्या हो गई, इसने इस घर में तूफान मचा दिया। रेहाना, वी आर गेटिंग लेट। क्रिश को भी अभी ही आना था। मॉम, मैं चलती हूँ। और हाँ, अपने पेन गेस्ट को समझा देना कि इस घर में रहना हो तो शांति से रहे, ठीक है? बाय। अरे ब्रेकफास्ट तो कर ले। अरे मॉम, देर हो रही है, मैं कैंटीन में कर लूंगी। बाय बाय बेटा, बाय। शारदा, देखो कुछ बोलना मत, सिर्फ ये ट्रे टेबल पे रख के वापस चली आना। हाँ, साहब अपने काम में बिजी होंगे। हाँ मैम साहब। मैम साहब, 3 पैकेट सिगरेट, 2 माचिस और आज का न्यूज़पेपर रख देना। ठीक है शारदा, ये पैसे ले जाओ और कागज़ पे जो भी लिखा है वो लेके आओ। क्या हुआ शारदा? मैम साहब, ऊपर के कमरे का दरवाजा अभी तक बंद है। बोलो साहब, अभी तक बाहर ही नहीं निकले। अरे पर उससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतना डर रही हो? खबर नहीं मैम साहब, पर है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है और ऊपर कमरे में से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। तुम खामखा डर रही हो शारदा। वो बड़े लेखक है, कमरे में अपना काम कर रहे हैं और लिखने में आवाज कैसी? तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, पर बहुत देर मत करना बेटा। बाय बेटा, आती हूँ। आज शाम का मेरा खाना मत बनाना, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ? आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? आप कहे तो मैं डॉक्टर को बुला दूं? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने कहा था ना, मुझे कोई डिस्टर्ब करे वो पसंद नहीं है। प्लीज आप नीचे जाइए। क्या है? एक ठंडे पानी की बोतल चाहिए। लाती हूँ। क्यों है वो? ऊपर भूत है। वहाँ सिर्फ एक आदमी है, भूत भूत कुछ नहीं है। तू किचन में जा, बर्तन पड़े हैं वो साफ कर दे जा। हेलो, Oh my daughter, how are you बेटा? Oh dad, mom, dad का फोन है। हाँ बेटा, आपके लिए एक गुड न्यूज है। इंडिया आके बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी क्या अभी बताओ। अरे बेटा, वो तो सरप्राइज है आपके लिए। हाँ, सरप्राइज है। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी बताओ। अभी क्या अभी? नहीं बेटा, वो तो सरप्राइज है आपके लिए। इंडिया आके ही बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी जानना है, अभी बताओ। बेटा पहले मम्मा को फोन दो। ये लो, मॉम से बात करो। हेलो जी, बोलिए, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हमें आपकी तरह झूठ बोलना नहीं आता। कितने दिन में लौटेंगे आप? बस देखिए, अभी जर्मनी खत्म हुआ है, यहाँ से यूएस जाऊँगा, वहाँ थोड़ा काम खत्म करके 15-20 दिन में इंडिया पहुँच जाऊँगा। ठीक है? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, घर जल्दी वापस आ जाइए। मैं भी। I miss both of you. बस बहुत जल्दी काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। Love you, bye. Bye. Take care. Take care. अरे रिहा बेटा, तू अब तक यहीं बैठी है, आज तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? जी नहीं मॉम, आज हम लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं। अभी मुझे क्रिश लेने आता ही होगा। ठीक है बाबा, तेरी जो मर्जी हो वो कर। थैंक यू मॉम। मॉम, आजकल आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई है ना? क्यों, ऐसा क्या हुआ? कल रात को आपने मेरे रूम में दूध का ग्लास रखा, वो भी खाली। ये क्या कह रही हो, मैंने तो भरा हुआ ग्लास रखा था। पर जब मैं रूम में गई तब तो दूध का ग्लास खाली था। मगर ये कैसे हो सकता है? लगता है कृष्ण आ गया, मैं चलती हूँ, बाय बाय। तुम कदम से कदम मिलाते जाओ, खुशी के गीत यूं गाते जाओ। बाय द वे क्रिश, ये रेहाना को क्या हुआ है? उसका मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नो वरीज, मैं अभी जाता हूँ, उसको फुल टू मूड में लेके आता हूँ। मैन हे स्वीटी पाई, क्यों इतनी गुमसुम हो? क्या हुआ मेरी जान को? पता नहीं क्रिश, कुछ कुछ अजीब सा महसूस होता है। Why? What happened? जब से घर में वो पेन गेस्ट आया है ना, तब से घर में एक इरिटेशन सा फील होता है। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद होता है, पर मुझे लगता है 24 घंटे उसकी नजरें हम पे रहती है। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों करते हैं, जैसे सब उसे पहले से ही पता हो। My God! एक सीधे साधे आदमी को आप खामखा बदनाम कर रहे हो। बेचारा किराया देकर ही रहता है ना। Then why you are getting so much tensed? See baby, ये सब लोग हमारी वजह से पिकनिक पे आए हैं, तो इनका तो मूड खराब मत करो। Okay. Come, let's have fun. Okay, let's go. Let's go friends. Playing time pass. Time pass. हेलो, सुनो लड़की, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। कौन हो तुम? शहर से दूर एक जंगल में एक बंगलो में एक फैमिली से जुड़ा एक कमरा, और कमरे में क्या हुआ? किसका फोन है? बंद करो। Who the hell are you? हेलो, क्रिश, क्या हुआ यार? नथिंग गाइस, इट वाज जस्ट रॉन्ग नंबर। चिल, जस्ट चिल। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। रेहाना, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, थोड़ा सा हेडेक है। जंगल में एक बंगलो। क्या हुआ बीबी? बंगलो में रुको। यू बास्टर्ड! बाहर निकलो मेरे घर से। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो बेबी? शांत हो जाओ। Come, let's go to your room. कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इतना शोर शराबा पसंद नहीं है। अब फिर से कभी ऐसे दरवाजा मत खटखटाना। मैंने पहले से ही सारी शर्तें बता दी थी, इन शर्तों का पालन करो। शारदा, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई है? मैंने कहा था ना मैम साहब कि ऊपर भूत है। शारदा, ऊपर कमरे में कोई भूत नहीं है, वहाँ सिर्फ एक आदमी है। पर वो आदमी ना बाहर निकलता है, ना कहीं जाता है, ना किसी से बात करता है। मुझे लगता है कि वो मर गया। अरे क्या पागल हो जैसी बातें कर रही है। अगर वो आदमी मर गया है तो जो चीजें तुम वहाँ ऊपर रखती हो वो कौन यूज करता है? वो उसका भूत। मॉम, ये भूत ऊत का चक्कर मुझे कुछ भी नहीं पता, पर हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आखिर एक आदमी इतने दिनों से एक ही कमरे में कैसे रह सकता है? पर है ना, हमने इस आदमी से 1 महीने का किराया लिया है, तो कम से कम 1 महीने तक इस आदमी को हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हम उसके पैसे वापस कर देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ अच्छा वो कृष्ण, तुम आ गए। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। नो वरीज आंटी जी, आई एम हियर। आपकी इस चिंता को मुझ पे छोड़ दो। ये बाबा किशननाथ इस बालिका को ऐसा प्रसाद देगा कि आज के बाद वो किसी से नहीं डरेगी। वेरी फनी। अरे बेबी, आई एम जोकिंग। हेलो हेलो राधा, मैं जीजू बोल रहा हूँ। हाय जीजू, बोलिए। तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब हुआ? कल मार्केट में कार ने टक्कर मार दी। ओह गॉड। मल्टीपल फ्रैक्चर्स है। अब कैसी है तबीयत उनकी? ठीक है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। आ रही हो? हाँ। ठीक है, कब तक आओगी? शाम तक पहुँच जाऊंगी। ठीक है ठीक है। मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या हुआ मॉम, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ मॉम? बेटा, तेरे मौसा जी का फोन आया था। तेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया है पूना में। क्या? मुझे जाना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, अगर तू मेरे साथ आएगी तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? और फिर वो पेंगेस भी तो है घर में। घर में कोई नहीं होगा तो वो तूफान मचा देगा। What is this, Mom? उसकी वजह से हम अपनी तरीके से जी भी नहीं सकते। तुम चिंता मत करो बेटा, कल शाम तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। मॉम, कुछ भी हो जाए मैं इस घर में अकेली नहीं रहूंगी। रेहा, तुम बच्चों की तरह जिद मत करो। मैं शारदा से कह दूंगी कि आज की रात वो यहीं रुके, और कृष्ण को भी यहीं बुला लेना। ठीक है। We are going to find you, okay, honey? We promise. You've got the best team of people in this whole city working to find you. But in order for us to help you, I need you to help me. Can you see the tail lights? What? Look for the red glow, okay, sweetheart? Yeah, I see it. Is there any way you can break it out? Working to find you. But in order for us to help you, I need you to help me. Can you see the tail lights? कमरे वाले भाई, खाना तैयार है, लाओ चूहा। Is there any way you can break it out, okay? Where's your emergency? Someone's stuck in the trunk of the car in front of me. Yo, I got him. Jordan, Jordan, Casey, what's happening, honey? What's happening? अब खाना लाने में इतनी देर हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। My foot. We are not your servant. मेरे घर से बाहर निकलो, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे हमें। कमीने ने परेशान करके रख दिया है। बेबी, 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 क्या हुआ? सब काम खत्म हो गया। हाँ, तो अब मैं घर पे जाऊं? पर मॉम तो बोल रही थी कि आज रात को तुम यहीं पे रुकने वाली हो। ऊपर क्या देख रही हो? मेरे सामने देख के बात करो। वो क्या है ना बेबी, मेरे घरवाले की तबीयत सारी न थी तो हूँ घरे जाऊं। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो फिर मैं चलती हूँ। सुनो जी, वो ऊपर वाले को जो भी कुछ चाहिए ना वो दे के जाना। अगर रात को मुझे परेशान करेगा ना तो मैं उसको खून को डालूंगी। नहीं नहीं बेबी, सब कुछ दे दिया है, अब मैं घर पे जाऊं। जाऊं छू। ठीक है। रात के 11 बज चुके हैं यार। I'm feeling lonely. I can understand, Jan. बहुत नींद आ रही है। Sorry, baby. I'm busy with dad right now, so it's difficult to manage. मैंने रीना से बात की है, she's on the way, and I'm coming soon. Okay? Love you, baby. Take care. ठीक है, bye. Love you. How's you? Look at you. How's you looking? क्या हालत बना रखी है तुमने? कुछ नहीं यार, थोड़ी सी परेशान हूँ। रीना के होते हुए परेशान? Let's go for party. Disco विस्को? अभी इतनी रात को कैसे जाएंगे? रीना के पास हर मर्ज की दवा है। Wait. हेलो, जाने कौन घड़ी आगे मौत खड़ी, जाने कौन घड़ी, यहाँ किसी को खबर किसे किसी की पड़ी। ले जाएगा सीना वो फाड़ के, कलेजे को जेब में डाल के, ले जाएगा सीना वो फाड़ के, कलेजे को जेब में डाल के। हर कोई है किस्मत का मारा, सबका घर सीने उजाड़ा, हर कोई यहाँ पे हारा। भूत करे हुंकारा, 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 भूत करे हुंकारा। लगे है मुझको तेरा प्यार कमीना, प्यार कमीना। जब तूने कोरा, लगे है मुझको फियर ओ छोरा, छुए जो मेरी कमर का दौरा, मचे है दिल में गदर ओ छोरा, तेरे हैंड हुए जब लैंड बदन पे, तेरे हैंड हुए जब लैंड बदन पे, झूमे उठे तो नजारा सारा, भूत करे हुंकारा, 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 भूत करे हुंकारा। बर्दाश्त किए है नखरे हजार, दिया है दारू सारी रात, मिसिंग किसिंग हो करे हुंकारा, भूत 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 करे हुंकारा। डॉक्टर आप यहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, रेहाना की तबीयत थोड़ी खराब थी। रेहा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? रेहाना ठीक है, मगर आप इतनी जल्दी? किसी ने मेरे साथ मजाक किया था, पर अब कैसी है मेरी बच्ची? पता नहीं आजकल हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रेहा की तबीयत ऐसी, मुझे अजनबी कॉल आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? ओके मिसेस वालिया, अब मैं चलता हूँ, ज्यादा तकलीफ हो तो मुझे कॉल करना है। क्रिश, मुझे लगता है कि हम कोई बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आंटी आप फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। आज 25 दिन हुए, वो आदमी अभी भी अपने कमरे में से बाहर नहीं निकला। मुझे तो लगता है कि रेहाना की ये हालत उसी की वजह से हुई है। क्रिश, कल कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं आंटी जी, कुछ भी नहीं हुआ। रीना यहीं थी। हेलो। हेलो, अनिरुद्ध स्पीकिंग। ऑल वेल? जी, सब ठीक है। आप कैसे हो? तुम्हारी आवाज में कुछ तकलीफ नजर आ रही है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? जी कुछ नहीं। आप 3 दिन के बाद वापस आ रहे हो ना? यही बताने के लिए फोन किया है कि 3 दिन बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। रात को नींद नहीं आती। अगर नींद आती है तो डरावने सपने मुझे जागने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक वो आदमी घर में है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। चलो मेरे साथ, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। क्या हुआ कृष्ण, क्या कर रहे हो? आज मैं उस बिल में छुपे चूहे को बाहर निकाल के रहूंगा। नहीं कृष, ऐसा मत करो कृष। आज तो उसे ये घर छोड़ना ही होगा। ऐसा मत करो कृष। कृष छोड़ूंगा नहीं आज तो। कृष रुको, कृष नहीं आया तो जान से जाएगा। अब इन्हें खोल दरवाजा, बाहर निकल यू बास्टर्ड। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। सीधी तरह से दरवाजा खोल दे, नहीं तो ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बाहर निकल। आंटी जी, कुल्हाड़ी कहाँ है? कंट्रोल योरसेल्फ। हेलो, किसका फोन था? कोई आदमी बोल रहा था। वो कह रहा था कि अगर हमने उस आदमी को परेशान करने की कोशिश की तो वो लोग तुम्हारे पापा को मार डालेंगे। क्या? उन लोगों ने तुम्हारे पापा को किडनैप किया है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो वो लोग अनिरुद्ध को गोली मार देंगे। क्रिश, क्रिश प्लीज कुछ करो। क्रिश, आई थिंक वी ऑल आर ट्रैप्ड। हम किसी गहरी साजिश में फंस चुके हैं। उसमें से निकलने के लिए हमें सिर्फ एक ही आदमी हेल्प कर सकता। शहर से दूर एक जंगल, जंगल में एक बंगलो, बंगलो में एक फैमिली, फैमिली से जुड़ा एक रूम, कमरे में एक मिसेस वालिया, मुझे कृष्ण ने सारी बात बताई है। सच बताऊं तो मैंने मेरी करियर में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस कभी देखा नहीं, मगर हाँ, मेरे तजुर्बे से मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये आदमी आपके फैमिली को ट्रैप कर रहा है। हम ही क्यों अंकल, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ, या फिर कुछ भी नहीं। अब जो होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अंकल, आपको जो करना है वो करो, बस हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। उस कमीने के आने के बाद हमें इस घर में घुटन से महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी उसके गुलाम बन चुकी हो। वही तो वो चाहता है। आप डरे, आप घबराएं, डर के मारे पागल हो जाएं। पर क्यों? कौन है वो? आखिर वो आदमी हमसे चाहता क्या है? मिसेस वालिया, आप क्या मानती हैं? कि वो आदमी कौन है? अब होने को तो वो कुछ भी हो सकता है, चोर, खूनी, गैंगस्टर, टेररिस्ट, कुछ भी। आपने पूछा कि वो आपसे क्या चाहता है। अब वो तो मिसेस वालिया तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, देखो, कल तक हम सोचते थे कि वो अकेला है, लेकिन मिस्टर वालिया के किडनैप होने के बाद अब हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ और भी आदमी है, शायद पूरा गैंग भी हो सकता है। पर हम ही क्यों अंकल? कई बार ऐसा होता है कि गुनहगार की जगह पर बेवजह किसी बेगुनाह को सजा मिल जाती है। शायद वो आदमी कमरे में बैठे बैठे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा हो, या तो फिर कोई खतरनाक गुनाह को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद गुनहगार हो और छिपने के लिए कमरे में घुस कर बैठा हो। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, जब वो आदमी इस घर में आया तब उसके साथ कोई सामान था जो खतरनाक हो? वो तो हमने नहीं देखा। वो उस दिन चाबी लेकर गया, उसके बाद देर रात आया था, तब हम लोग सो गए थे। Well, that's the point. मतलब कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो अपने साथ कुछ ऐसा सामान लेके आना चाहता था जिसके बारे में आपको पता तक ना चले, और इसीलिए वो रात को लेट आया और आपको पता ना चले ऐसे अपने कमरे में चला गया, ताकि आप लोग उसके प्लान के बारे में बिल्कुल जान ना सके। सिंपल। इससे एक बात तो पक्की है, वो कोई राइटर नहीं, खतरनाक क्रिमिनल है। बल वो जो आपको प्रेम पत्र लिखता रहता है, I mean, वो धमकी वाली चिट्ठियां, वो कहाँ है? लाती हूँ। क्या आपके वो ऊपर वाले कमरे में कंप्यूटर और प्रिंटर है? नहीं तो? क्योंकि ये सारी चिट्ठियां उसने कंप्यूटर में टाइप की है और उसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने साथ कंप्यूटर और प्रिंटर भी लेके आया है। ओह यस अंकल, पर ऐसा क्यों? चिट्ठी अपने हाथ से भी तो लिख सकता है। लिख सकता है। वो अपनी पहचान छिपाना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को आपके सामने जाहिर करना नहीं चाहता, अपनी लिखावट से भी नहीं। जब वो इतनी सावधानी बरत रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फोन भी यूज नहीं करता होगा। बट मिस्टर प्रधान, जब कभी भी हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, उसके तुरंत बाद ही बाहर से धमकी के फोन आ जाते हैं। राइट, वो किसी न किसी तरह से कोई बाहर के आदमी के साथ कांटेक्ट करता ही होगा। कैसे? कैसे? वो सिगरेट पीता है? हाँ अंकल, वो हर रोज सिगरेट मंगवाता है और न्यूज़पेपर भी पढ़ता है। सो ठीक है मिसेस वालिया, हम आपके मकान के इर्द गिर्द थोड़ी छानबीन करेंगे, शायद कोई सुराग मिल जाए। हम लोग कल रात फिर से आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, वो जो आदमी है बड़ा शातिर और तेज दिमाग है। और हाँ, जब तक हम नहीं आते हैं आप इस घर में ऐसा ही माहौल बना के रखिए जैसे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। Am I right? Don't worry मिसेस वालिया, अब वो कुछ ही दिन का मेहमान है इस घर का। Am I right, sir? हाँ हाँ हाँ, come let's go। What do you think, sir? वो आदमी कौन हो सकता है? वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, वो जो कोई भी है वालिया फैमिली को डराना चाहता है। पर अंकल, वालिया फैमिली ही क्यों? गुड क्वेश्चन क्रिश। वालिया फैमिली जिस बंगलो में रहता है वो बंगलो शहर से काफी दूर अकेले में है, वहां कोई आता जाता नहीं और फैमिली में भी बहुत कम लोग हैं। वहां रह के वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। बट सर, वो आदमी चाहता क्या है? बोले को तो कोई भी काम हो सकता है, वहां रहकर वो शायद बम बना रहा हो, किसी मिनिस्टर को मारने की या किडनैप करने की स्कीम बना रहा हो, या फिर बैंक रॉबरी, या फिर। पर अंकल ऐसा ही होता तो वो ये सब कुछ कर चुका होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। Anyway, वो फोन वाली कहानी क्या है? एक जंगल में एक बंगलो में एक फैमिली और फैमिली से जुड़ा एक रूम में एक आदमी। मतलब तो यही होता है। हाँ अंकल बिल्कुल, शायद ये कहानी यहीं खत्म होगी। बट सर, वो रेहाना को ये सब कहानी क्यों सुनाएगा? हो सकता है उसके पीछे उसका कोई ठोस मकसद हो, या फिर वो रेहाना को डराना चाहता हो। बट वाई अंकल, वो ऐसा क्यों करना चाहता है? यही पहेली तो सुलझानी है कि वो आदमी ये सब क्यों कर रहा है। देखिए मिसेस वालिया, हमने आपके घर के चारों ओर छानबीन कर ली है और हमें कुछ एविडेंस भी मिले हैं जो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आप एक बात बताइए, वो आदमी जिन बर्तनों में खाना खाता है वो सारे बर्तन कहाँ हैं? जी वो अंदर रखे हैं। अंदर? लूसी। यस सर। गो एंड चेक क्विक। सर। वेरी गुड, वेल डन। देखिए, अगर वो आदमी और कोई डिमांड करता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। श्योर। ओके लूसी, कम लेट्स मूव। यस सर। तैयार अच्छे हो? और कल क्यों नहीं आई थी? एक मिनट हो मैम साहब। मैम साहब कल ना मैं ये लेने गई थी इटले। ये क्या है? मैम साहब ये काले जादू वाली पोटली है, मैं ना ये बाबा जी के पास से लाई हूँ। मैम साहब ये पोटली है ना ऊपर कमरे के बाहर लटकानी है, अगर ये पोटली शाम तक नीचे गिर गई ना तो समझ लेना कि उस कमरे में ना भूत है और ना अपने घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और अगर ये पोटली शाम तक नहीं गिरी तो समझ लेना कि सब कुछ बराबर है। हाँ ठीक है, तुम चाय रखने ऊपर जाओ तब वहाँ बांध देना, ठीक है? जाओ अब तुम। अंकल आप? हाँ। कुछ पता चला? हाँ बहुत कुछ। कल हमने पूरी रात बंगले के इर्द गिर्द छानबीन की और हमें बहुत सारे एविडेंस मिले। लूसी। यस सर। एविडेंस सर। ये सिगरेट का फिल्टर, इसे देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो आदमी सिगरेट पीता ही नहीं। अंकल हम कुछ समझे नहीं। ये देखिए, कोई भी आदमी इस तरह से सिगरेट नहीं पीता वरना उसकी उंगली जल जाती। पर अंकल ऐसा भी हो सकता है कि वो एडिशनल फिल्टर लगाकर सिगरेट पीता हो। हाँ। इस फिल्टर को देखिए, व्हाइट है। अगर वो सिगरेट पीता तो ये व्हाइट नहीं येलो होता। मतलब साफ है ये आदमी आपको गुमराह कर रहा है। तो वो हमसे सिगरेट क्यों मंगवाता है? अपने पैसे क्यों बर्बाद करता है? आपको परेशान करने के लिए, ये जताने के लिए कि वो चेन स्मोकर है। जो भी हो, इसके पीछे मुझे एक गहरा राज मालूम होता है। मिसेस वालिया जी, आप जाइए। और हां, उसे भनक तक नहीं आनी चाहिए कि हम यहां मौजूद हैं। आदमी जिसे आप आपका भाई बता रही हैं, वो आज भी यहाँ आया हुआ है। उसे कह दो वो कुछ दिन यहाँ ना आए। इस चिट्ठी से दो बात बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि ये आदमी अपने कमरे में बैठे बैठे हम सब पर नजर रखे हुए है, और दूसरा ये कि वो जो काम करने आया है उसे कुछ ही दिनों में अंजाम देगा। अंकल आप इस घर में नहीं आएंगे तो हमें इस मुसीबत से कौन निकालेगा? डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अगर वो अपने कमरे में बैठकर इस पूरे घर पर नजर रख सकता है तो हम भी इस घर से बाहर रहकर दूर रहकर उसके लिए जेल का रास्ता तैयार कर सकते हैं। जो भी हो, केस बड़ा ही पेचीदा होता जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मजा आएगा। सो शैल वी मूव? यस सर। कम। काले जादू वाली पोटली है, मैं ना ये बाबा जी के पास से लाई हूँ। अगर ये पोटली शाम तक नीचे गिर गई ना तो समझ लेना कि उस कमरे में ना भूत है। मॉम, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। आंटी जी डोंट वरी, जब तक वो आदमी यहां पर है अंकल को कुछ भी नहीं हो सकता। ओके रेहाना, आई एम लीविंग, और भी कुछ काम निपटाने हैं। अगर जरूरत पड़े तो गिव मी अ कॉल। बाय बाय। बाय। मॉम, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। चलिए। मेरे पे हाथ है? क्या साली, उठ साली उठ, मर गई तेरे लिप्स, तेरी आंखें, मेरा तेरा कुछ नहीं। मॉडल भाई मेरी है, मेरी चल भाई मार डालो मेरा मेरी भाई मर गई भाई आइए इंस्पेक्टर साहब। जी कहिए, किसका काम है? मेरा नाम इंस्पेक्टर खान, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस वालिया, राधा वालिया। आप दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता है? जी, मेरे पति मिस्टर अनिरुद्ध वालिया। तो क्या आप अपने पति को बुला सकती हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, वो बिजनेस टूर पे गए हुए हैं। मतलब आपके पति घर में नहीं है, राइट? जी। दरअसल मैं आप लोगों से कुछ हेल्प चाहता था। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? एक लड़की का बलात्कार हुआ है और कत्ल भी। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो मिस रेहाना, मैंने मान लिया कि आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन आपकी माताश्री ने तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा ना। तो हाँ मिसेस वालिया, आपने कुछ देखा? जी नहीं। वेल मिस रेहाना, आपका कमरा कहाँ है? यहाँ पे। और आपका? अगर आप दोनों यहाँ इस नीचे वाले रूम में सोए हुए थे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी यहाँ मौजूद था, जिसे आप लोग मुझसे छुपा रही हैं। सुबह 4 बजे मौका-ए वारदात पर हम लोग पहुँचे। मैंने वहाँ पे किसी को देखा, मगर आप लोगों का कहना तो यह है कि आप लोग यहाँ नीचे सोए हुए थे। तो ऊपर कौन था? लगता है मुझे आपके ऊपर वाले कमरे की तलाशी लेनी होगी। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे ऊपर वाले रूम की तलाशी नहीं ले सकते। देखिए मोहतरमा, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा कर रही हैं। उस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। दरअसल मैं थोड़ा डर गई थी। तब तो आपने वो बलात्कार होते हुए भी देखा होगा। जी हाँ इंस्पेक्टर, पर कल रात को अंधेरा बहुत था, तो शायद मैं उन लोगों के चेहरे ना पहचान पाऊँ। कोई बात नहीं, पहचान करवानी होगी तो बुला लेंगे। अभी मैं चलता हूँ, लेट्स गो। और हाँ, एक बात और मोहतरमा, आइंदा कभी पुलिस से झूठ मत बोलिएगा। खुदा हाफिज। अंकल, अंकल मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर मैं इंस्पेक्टर से झूठ नहीं बोलती तो वो ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुलवाता। अगर वो आदमी पकड़ा जाता तो पापा। जो हुआ सो हुआ। देखो रेहाना, तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज रेहाना, रिलैक्स। ये लो, पानी पी लो। अच्छा, तुमने इंस्पेक्टर को यह बताया कि तुम कातिल को पहचान सकती हो? हाँ। जब यह वारदात हुई तो ऊपर वाले कमरे की लाइट्स ऑन थी, उसका मतलब कि वो देर रात तक जागता रहा था। अब तुम्हें उसे पूछना है कि क्या उसने कातिल को देखा था और क्या वो उससे पहचानेगा। अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो पुलिस घर की तलाशी लेगी और ना चाहते हुए भी वो एक्सपोज हो जाएगा। That's great idea. Let's walk it out. क्रिश, मुझे लगता है कि इसी आदमी ने खून किया है। What nonsense! ये आदमी तो कमरे में बंद है। पर शायद हम लोग रात को सो गए हो और वो बाहर आया हो तो। I don't think so कि ऐसा हुआ है। फिर भी चलो उसी से पूछते हैं। हाँ, हेलो मिस्टर मित्रा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर मित्रा, बंगले के पीछे जो कल रात बलात्कार और मर्डर हुआ, उस बारे में आप कुछ जानते हैं? आई मीन, आपने कुछ देखा हो, कुछ सुना हो? हाँ, मैंने वो वारदात देखी हुई है और मैं खूनी को पहचान सकता हूँ। मिस्टर संजय मित्रा, मैंने आपको बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोला है कि कल रात को जो हुआ वो मैंने देखा है। अब वो लोग मुझे खूनी को पहचानने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि वो खूनी कैसा दिखता है? जिस आदमी ने लड़की पर बलात्कार किया और खून किया, उसकी तस्वीर मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ। अंकल, नाउ वी हैव टू डू समथिंग। आई एम सो मच वरीड अबाउट रेहाना। कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। क्रिश, न जाने क्यों मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। एक काम करते हैं, आज रात हम लोग चुपके से बंगलों में आएंगे और उसका काम खत्म कर देंगे। श्योर अंकल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हूँ शहर से दूर एक जंगल, जंगल में एक बंगलो, बंगलो में एक फैमिली, फैमिली से जुड़ा एक कमरा, कमरे में एक तस्वीर। आंटी, इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती इस तस्वीर के बारे में। मॉम, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? हिम्मत हो तो बाहर आओ, निकलो मेरे घर से। अब मैं तुम्हें चुप। Now tell me, what's your problem? आप तो कुछ और समझते थे, लेकिन देखो देखो देखो, इसमें देखो, कुछ और ही राज है। कैसा राज अंकल? लगता है तुमने इसे ठीक से पढ़ा नहीं। अब तक वो लिखता था कि एक जंगल, जंगल में एक बंगलो, बंगले में एक फैमिली, फैमिली से जुड़ा एक कमरा, कमरे में एक। हम लोग सोचते थे कि कमरे में एक आदमी। यहां तो बात बिल्कुल उल्टी है। इसमें लिखा है कि कमरे में एक तस्वीर। हाँ अंकल, इस बात पे तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि जब भी सोचो ठंडे दिमाग से सोचो। Am I right, Lucy? सर, मुझे लगता है ये पूरी साजिश इस तस्वीर की वजह से की गई है। ऐसा भी हो सकता है। बट सर, ये तस्वीर की पहले क्या है? वो तो मिस रेहाना जाने। या फिर मिसेस वालिया, आप बता सकती हैं? जी मिस्टर प्रधान, मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं वो किस तस्वीर के बारे में बात कर रहा है। मिसेस वालिया, आप उस तस्वीर के बारे में जानती हैं? जानती है? जी नहीं। शायद वो ये सब उस तस्वीर के लिए कर रहा है। यस सर, उसने चक्रव्यूह कुछ ऐसा रचा है कि इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है पता ही ना चले। हेलो, स्पीकर ऑन करो। हेलो। शहर से दूर एक जंगल में एक बंगलो में एक फैमिली से जुड़ा एक कमरे में एक तस्वीर। Stop it! कौन हो तुम? आखिर चाहते क्या हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? क्यों? देखो, तुम अगर हमसे छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी माँ से कहो वो अधूरी तस्वीर का राज बताए, वरना तुम सब ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा राज? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो तस्वीर वाला राज बताओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन हो तुम? आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। अधूरी तस्वीर वाला राज। मिसेस वालिया, अब बता दीजिए, आपको उस अधूरी तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं? कुछ भी नहीं? देखिए मैडम, आपके दिमाग पे जोर डालिए और जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि पहले कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो जिसके साथ ये तस्वीर जुड़ी हो। मिस्टर प्रधान, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वो आदमी किस तस्वीर के बारे में बात कर रहा है। जिस तरह से वारदातें हो रही है उससे एक बात साफ है, या तो वो आदमी सच बोल रहा है या फिर ये उसकी नई चाल है आपको डराने की। जो भी हो, हमें उस अधूरी तस्वीर के राज का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। सही बात है अंकल, पर जहां तक मुझे याद है हमारे घर में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। रेहाना, कई बार ऐसा होता है कि चीज हमारी नजरों के सामने हो और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। एनीवे, ये मकान काफी बड़ा है। कितने कमरे होंगे यहाँ? जी, नीचे दो और ऊपर दो। तो उन कमरों में से कोई ऐसा कमरा है जिसमें ऐसी कोई तस्वीर लगी हो? हाँ, ऊपर वो जो दूसरा कमरा है उसमें एक तस्वीर है। Then come let's go and check it out. Sure. अंकल, आप रुकिए। मिसेस वालिया, आप यहीं रुकिए। रेहाना, come with us. Yes. रेहाना। हाँ अंकल। तुम्हें पता है यहाँ स्विच कहाँ है? अंकल, मैं भी बहुत सालों के बाद आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी स्विच ढूंढनी पड़ेगी। आई गॉट द स्विच। यहाँ तो पूरा कबाड़ खाना है। ये तस्वीर तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये तस्वीर नहीं हो सकती क्योंकि फोन पर वो हर वक्त कोई अधूरी तस्वीर के बारे में बात करता है। हाँ? ये तस्वीर तो पूरी है, तो ये तस्वीर नहीं हो सकती है, कहीं और ढूंढो। कम ऑन फास्ट क्विक क्विक। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो, शायद ये तस्वीर हो सकती है। अनिरुद्ध, ये क्या हुआ आपको? ये अधूरी है। यस, यही हो सकती है। कौन हो तुम लोग? पापा, अनिरुद्ध, पापा, पापा क्या हुआ आपको? सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। एक मिनट, Who the hell you are? मेरी पहचान इनकी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। चलो नीचे उतरो। वो तस्वीर कहाँ है? तस्वीर यहाँ है। अब इन सबको इस तस्वीर का राज बता। कौन सा राज? मैं कुछ नहीं जानता, और आप क्या जानना चाहते हो मुझसे? मुझे कुछ नहीं पता। इस तस्वीर का राज बताओ, वरना इस घर को मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा। देखा, ये सिग्नल है मेरी बात का। अब अपने हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, वरना भेजा उड़ा दूंगी। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि आपके पास भी गन हो सकती है। तुम मुझे क्या बच्ची समझ रहे थे? इसे बातें मत करो, पहले ऊपर जो आदमी है उसे नीचे बुलाओ, वरना वो हमारे घर को बॉम्ब से उड़ा देगा। बुला अपने आदमी को। देखिए, आप लोग ये गलत कर रहे हैं। हे, जितना बोला है उतना ही कर। कॉल दैट बास्टर्ड, उसने हमें बहुत परेशान किया है। देखो, तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, जो कोई भी है ऊपर बुलाओ नीचे, वरना लूसी 5 सेकंड में तुम्हारा भेजा उड़ा देगी, और उसके जिम्मेवार तुम खुद होंगे। You bastard! रेहाना, Don't move. दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कि हो कौन तुम, और ये सब करने के पीछे मकसद क्या है तुम्हारा? Who are you? यहाँ ऊपर तो एक आदमी था, यही कहना चाहते हो ना? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इस फैमिली को परेशान क्यों कर रही हो तुम, और अनिरुद्ध वालिया का किडनैप क्यों करवाया गया था? अंकल, इससे बातें मत करो, इसे दो। मेरा नाम इशिता जायसवाल, हेड ऑफ क्राइम ब्रांच, और मैंने ये सब क्यों किया, इसका जवाब आप सबको नीचे जाके मिल जाएगा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, अदरवाइज आई विल शूट यू। मूव, आई सेड मूव। Okay, we are moving. मिस्टर सिंह, टेक हर गन। ये कौन है? पापा, इस कमरे में तो संजय मित्रा नाम का आदमी था। मैं कौन हूँ इसका जवाब तो ये कुत्ता ही देगा। तुम? हाँ, ठीक पहचाना। अब जल्दी से सच भौंकने लग, वरना ये सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगी। इशिता जायसवाल, मेरी पहली पत्नी मीरा जायसवाल की बेटी। हाँ, राधा मेरी दूसरी पत्नी है। उससे पहले भी मैंने एक शादी की थी मीरा जायसवाल के साथ। क्या मॉम ये सब बातें जानती थी? हाँ, वो भी इस साजिश में मेरे साथ थी। साजिश? कौन सी साजिश? वो एक अधूरी तस्वीर का राज है। उसका क्या राज है? उसी वक्त मैंने उसे मार दिया था जिस वक्त ये पेंटिंग बना रही थी। What? पापा आपने खून किया था? हाँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे गले की हड्डी बन चुकी थी। उसने मुझे धोखा दिया था। उसे एड्स था और उसने मेरी माँ से ये घर, यहाँ तक कि सारी जायदाद छीन ली। और मेरी माँ इस कमीने के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। और जब मेरी माँ को इसकी जरूरत थी तभी उसने अपने रास्ते का कांटा समझ के उसे यहाँ मार डाला। और मिस्टर वालिया, तुम्हें मुझे अपने पापा कहते हुए भी शर्म आती है। पापा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे घिनौनी हरकत कर सकते हो। उस रात मैंने इस दरिंदे का वहशीपन देखा था। मैंने देखा कि इसने मेरी माँ को कितना नोचा था, खरोचा था, तड़पाया था। पर उस रात ये शैतान को पता नहीं था कि मैं उसे देख रही थी, इसलिए मैं बच गई। और तभी मैंने ठान ली कि इसके पूरे परिवार को एक एक पल ऐसा डराऊंगी, तड़पाऊंगी कि ये चीखे, चिल्लाए और मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। पर उसे मौत नसीब ना हो। उस रात मैं हिम्मत करके बंगलों से बाहर मेन रोड पे पहुंची। वहां एक भले इंसान ने मुझे बेबस और बेसहारा देखा। वो मुझे अपने साथ ले गया और मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और आज मैं हेड ऑफ क्राइम ब्रांच हूँ। इंसान अपने डर से छुटकारा पा सकता है, पर बीते हुए कल से नहीं। जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे मेरी बदले की आग और भी भड़कती गई। पहले तो मैंने राधा से डील करने के लिए संजय मित्रा को भेजा और रात का लौटने का कह के आपको गुमराह किया। असल में वो उस रात यहाँ पे आया ही नहीं था। उसकी जगह मैं यहाँ आई थी ताकि मैं आपको इस घर में तड़पता हुआ देख सकूं, डरता हुआ देख सकूं। और देखो, आज मैं मेरे प्लान में कामयाब हो गई। अब तो तुम कबूल करते हो ना कि 20 साल पहले मीरा जायसवाल का खून तुमने किया था? हाँ हाँ, मैं कबूल करता हूँ। 20 साल पहले मैंने ही मीरा जायसवाल का खून किया था। पर क्या करूँ, अब क्या करूँ? अब तो मैं तुम्हारी माफी मांगने के भी लायक नहीं रहा। हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने तुम्हारी और मीरा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उस वक्त मैं शोहरत के चक्कर में और लड़कियों के चक्कर में ऐसा शैतान हो चुका था कि मुझे अच्छा और बुरा कुछ ख्याल ही नहीं रहा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पकड़ के ले जाइए मुझे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, क्योंकि मैंने बड़ी बेरहमी से मीरा जायसवाल का खून किया था, इसलिए मुझे सजा होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए। मिस्टर सिंह, इशिता, वी आर रियली सॉरी। माफ कर देना हमें, हमने अनजाने में एक गुनहगार का साथ दे दिया। पापा, आज तक मैं अपने आप को एक अच्छे परिवार की लड़की समझ रही थी, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस घर में पैदा हुई। और मॉम, तुम ये सब जानती थी, फिर भी आपने पापा का साथ दिया। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं, किसी ने नहीं सोचा कि Rehana, don't feel alone. I am with you. मैं देखती हूँ। मैम साहब, वो कमरे वाला आदमी बाहर आया कि नहीं? अरे मैडम, आप कब आई कमरे से बाहर? मैं तो थैले भर के टोटके लाई थी इनको डराने के लिए। थैंक यू शारदा। शारदा? क्या? शारदा तो इन लोगों से मिली हुई है? मैम साहब माफ करना हो, पर ये मैडम जी एक दिन मेरे घर पे आई थी और उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको हाँ कर दी। देखा मॉम डैड, एक गरीब औरत भी समझ सकती है कि सच्चाई क्या होती है। अरे हाँ मैम साहब, वो बाबा जी की पोटली है ना जो ऊपर लटकाई थी उस दिन, वो ये मैडम जी ने ही गिराई थी आपको डराने के लिए। वेल डन इशिता, तुमने तो हम जैसे जासूसों को भी उलझन में डाल दिया। चलिए मिस्टर अनिरुद्ध वालिया, आपको ऐसी जगह ले चले जहां आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। और मिस्टर नायडू, दादाजी को भी साथ में ले लो, इनकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। मुझे माफ करना रेहाना, मैं जानती थी कि तुम बेगुनाह हो, मगर इशिता, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे मॉम डैड की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मेरे भी पापा थे, शायद हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा था। लूसी, आज पहली बार कोई गलत केस हाथ में ले लिया। हाँ सर, और फीस भी नहीं मिली। ये हर काम पैसों के लिए नहीं करते। चलो मुझे माफ कर देना हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है शारदा, तुमने जो किया वो ठीक किया। We are jokers. We will kill you. जो जोर से तू चिल्लाएगा काट कर तुझको चबा जाऊं। देख कर यूं और मजा आए, मुंडी तेरे इत्ते जो लटकाऊं, तुझ में दम कितना दिखा तेरा जोर। Open the door, the closed door, open the door. बदन हो चाहे जिसम देख कर तुझे लगती है दिल में अगन, सख्त हो बदन चाहे नर्म हो जिसम, देख कर तुझे उठती है दिल में तपन। Open the door, the closed door, open the door, the closed door. मैं बॉडीगार्ड नहीं, मैं हूँ हैवान, पॉइजन है नस नस में, मैं हूँ शैतान, रहता जहाँ हूँ प्लेस वो भी है मेरान, नाम मेरा लेके ही आ जाता है तूफान।